और इंटरव्यू हमें 24 में देने हैं। इंटरव्यू देने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका बोलचाल, कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और सबको ये पता है कि कम्युनिकेशन आपका उतना अच्छा नहीं है, आपको बोलते नहीं आता, पब्लिक स्पीकिंग आपकी बहुत पुअर है। जब आप चार लोगों के सामने खड़े होते हो तो आपकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। कई लोग क्या बोलते हैं वो अगर रिकॉर्ड करके सुन ले तो खुद कहेंगे कि अरे यार ये मैं क्या उल्टा सीधा बोल रहा हूँ। कई लोग आई टू आई कॉन्टेक्ट करके कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, कई लोग अपनी बातों को, इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुँचा नहीं पा रहे हैं। ये भी देखा गया है कि कई लोग ऐसे हैं जिनको सब्जेक्ट का गजब का नॉलेज है लेकिन क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो लगातार अनएम्प्लॉयड ही रह जा रहे हैं। बैंक से लोन मांगने जाना है, क्या आपने सोचा कि छोटे एक बिजनेस स्टार्ट करें 2024 में लोन मांगने जाना है, आपने बैंक मैनेजर को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए क्या कर रहे हो, लोन ख़त्म। पापा से बोले चलो पापा से पैसे मांग लो, पापा तो अपने ही हैं, लेकिन पापा भी पहले बोलेंगे क्या करोगे, आपने उनको कम्युनिकेट ही नहीं कर पाया, पापा ने भी कहा नहीं देंगे जाओ, और भाई आपके भाई साहब आए उनने बोला उनको पैसा दे दिया पिताजी ने, अब पिताजी का भी मना नहीं करते, पर जानना तो चाहेंगे कहाँ पैसा लगाओ, कहा 10 लाख की उम्मीद में, वो अब नहीं कर पाए। एक चीज़ और भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, कम्युनिकेशन पुअर होने के कारण आप कई बार बहुत अच्छा जैसे कोर्स कोई ज्वाइन करने का इच्छा आपकी है, आप अपने मम्मी पापा को से बात नहीं कर पाते और आप उस कोर्स से भी बाहर हो जाते हो। कई बार देखा है जैसे मान लीजिए कि भाई होटल मैनेजमेंट में किसी को जाना, आप होटल मैनेजमेंट में या एचआर के लिए कोई कोर्स करना है, बैंगलोर पुणे की आईटी कंपनी में जाने के लिए आपने सोचा ट्रेनिंग हम कर दें या बैंगलोर में सीधा जाना चाहते पिताजी, लेकिन आप बोलने में सकते हो पापा से बात ही नहीं कर पा रहे, मम्मी से बात नहीं कर पा रहे, तो वहाँ भी आपके जाने के चांस खत्म। आप जबलपुर में छोटे मोटे बी कॉम करके रह गए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बी एस सी कर लिया, वही ख़त्म हो गए। तो मेन आपको ध्यान रखना है कि आप अगर देखा जाए तो जब पैदा हुए थे तो सब बोलना जानते थे, कम्युनिकेशन तब अच्छा था, ये तो पटर पटर बोलते थे, मम्मी से पूछना मम्मी ज़्यादा अच्छा बताइए, बोले बहुत बचपन में बोलते थे, हाँ गाना भी गाते थे बचपन में, कितना अच्छा, एक कोई सॉन्ग होता जो बहुत अच्छा गाना गाते थे, डांस भी करते थे बचपन में, जो भी आता था आप उनसे तो मिलने जाते थे खुद। अब ऐसी हालत हो गई है कि अगर कोई इंसान आता तो आप किनारे बैठे रहते हो, बात ही नहीं करते आप उनसे, आप मम्मी पापा से भी बात कर नहीं पा रहे, आप अपने करियर के लिए किसी के से सुझाव भी नहीं ले पा रहे। करियर के लिए प्रॉब्लम हो रही है तो जाइए सुझाव लीजिए ना, BCA करके लोग घर में सो रहे आराम से, अरे ठीक है भगवान देगा जब ले लेंगे, अरे आपको जाने तो जाके निकलना पड़ेगा, ईश्वर तभी देगा जब आप खुद निकलोगे। तो आप किसी से बात भी नहीं कर पा रहे कि सर मैं BCA के बाद क्या करूं। विस्तार ने इन 5 सालों में 10 कैंपेन किए हैं शनिवार को कि आप आके मुझसे बात करिए, ऐसे में तो फ़ोन करके हमें सेंसर से कर बातें होती है, लेकिन जब शनिवार को कैंपेन हमने लगाए तो कोई दिखता नहीं है, बोलेगा सर क्यों हम बात करें, हम करियर विषय में बात नहीं करेंगे, बाकी बेफालतू बात सब चलेगा। तो आपको जाके बात करनी पड़ेगी, आप जाके एक्सपर्ट से पूछिए सर व्हाट आई डू, क्या मैं करूँगा। इन सबका मेन कारण आप अगर आप देखेंगे कम्युनिकेशन आपका नहीं था, इस कारण से आपने कुछ भी अपनी बात किसी के सामने नहीं की। तो आज इस लेवल से मैं सबसे पहले आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने कम्युनिकेशन लेवल को सुधारिए, बोलने की आदत डालिए, डरने की बात नहीं है, लोग कोई खाने जाएंगे, लेकिन अगर आज तुम नहीं बोले तो ध्यान रखना आज से 5 साल बाद तुम तरसोगे कि काश मैं बोल देता तो मेरी वहाँ पे जॉब लग जाती, पापा मुझे वो बिजनेस चालू करवा देते या फिर मैं बैंक से लोन ले लेता, मैं कोई अच्छे जगह जॉब में जाने की तैयारी कर चुका होता। क्योंकि क्या होता है बोलते नहीं हो तभी बाद में दिक्कतें होती है। तो आपको कम्युनिकेशन कैसे प्रॉपर करना है आज मैं आपको ये बता दे रहा हूँ। जिनके मन में ध्यान रखना कम्युनिकेशन के प्रति डर है, डर को निकाल के अपनी कम्युनिकेशन का पे काम करना चालू करोगे, क्योंकि अगर आप बोल नहीं पाओगे तो इस दुनिया में भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकते। करियर खराब होने का मेन कारण क्या है, लोग बोल ही नहीं पा रहे। अगर आप ध्यान दीजिएगा आप नहीं बोल पाएगा मतलब करियर खत्म कर लोगे, और करियर खत्म मतलब आप जीते जी मर गए, कौन आपको जीवित मानेगा, सिर्फ आधार पैन कार्ड लगाने से तो आप जीवित नहीं माने जाते ना, आप जीवित माने जाते हो बैंक बैलेंस से, और बैंक बैलेंस कब आएगा जब आप बोल कर पैसा कमाना सीखेंगे। हम लोग भी यहाँ पे इसलिए टिके क्योंकि हम बोल पाते, बोलना ही हमें पड़ता और क्या है, बोलने से तो खा रहे हो क्या है हमारे पास। तो कम्युनिकेशन अपना बेटर कैसे करें और कैसे कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करनी है आज मैं आपको बताऊंगा, और इसके बाद फिर आपके कम्युनिकेशन में आप मुझे कम्युनिकेट करके दिखाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ध्यान रखना है कम्युनिकेशन करने के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, आई कॉन्टेक्ट से आप बात करना सब चालू करेंगे। आप जो भी क्लास में बात करेगा सोमवार से, यानी मंगलवार, सोमवार को तो ऑफ है क्रिसमस की, तो आई कॉन्टेक्ट से बात करेंगे, आई कॉन्टेक्ट के साथ करेंगे, आपस में भी और मुझसे भी।
जिससे भी आप आई कॉन्टेक्ट से बात करिए, क्योंकि आई कॉन्टेक्ट से बात करते हो तो कम्युनिकेशन पैटर्न सुधर जाता है। नजर नीचे करके बात करने की आवश्यकता नहीं है। और ये गर्ल्स को भी स्पेशल बोले, गर्ल्स से आई कॉन्टेक्ट मतलब कुछ और होता है। आपको मैं बता देता हूँ, आई कॉन्टेक्ट प्रोफेशनलिज्म में आई कॉन्टेक्ट का मतलब सिर्फ ये है कि मैं आपकी तरफ देख के बात करूँ, बात खत्म है। जेंडर मायने नहीं रखता, जेंडर को एकदम किनारे रखिए। दूसरा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप सबको कॉन्फिडेंस अपनी बढ़ाना पड़ेगा। ये कई लोग ना अपने मन से टूट गए हैं, कई लोग पता नहीं बहुत निगेटिव हो चुके हैं। मैं ज़्यादातर बच्चों से बात करता हूँ तो वो इसलिए बीमार टाइप के दिखते हैं ना, जैसे उनके अंदर कुछ ऊर्जा ही खत्म हो चुकी है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, नेगेटिविटी आपको अपने अंदर रखना नहीं है। मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, सब सुन लीजिएगा, आपको अभी नेगेटिव होने का अधिकार नहीं है। नेगेटिव आप तब होइएगा जिस समय रियलिटी में आप घर के राजा बनेंगे। अभी आप राजा नहीं है घर के, आपको सब कुछ पका पका माँ बाप दे रहे हैं, सब कुछ आपके पास अभी है। नेगेटिव आपको होना नहीं है, कॉन्फिडेंस पे काम करिए। देखिए कईयों की कॉन्फिडेंस बहुत भयंकर टूट रहा हुआ है, मुझे समझ में नहीं आता आप जानते हो कि आपका कॉन्फिडेंस क्यों टूटा है। अब आप देखना खुद को आज पूछ के कि क्या कॉन्फिडेंस टूट गया। भाई पापा अच्छा कमाते हैं, माँ अच्छा घर में हम लोग की केयर रख रही है, बड़े भाई बहन भी अच्छे हैं, कोई घर में लड़ाई झगड़े नहीं, कोई प्रॉपर्टी को लेकर व्यवहार नहीं है, खाने के लाले नहीं पड़ रहे, जो मांगो माँ बाप देते हैं, काय की दिक्कत। इससे ज़्यादा भी चाहिए क्या? पढ़ने के लिए पर्याप्त पैसा मिल रहा है और आराम से हमें स्मार्टफोन भी मिल गया, गाड़ियाँ भी मिल गई, पापा मम्मी सब कुछ कर ही दे रहे हैं, तो क्या की दिक्कत। कॉन्फिडेंस अपने ब्रेक ना करें, सबका कॉन्फिडेंस अगर डाउन होगा तो आपके कम्युनिकेशन टूट जाएगा। कॉन्फिडेंस हमेशा ठीक रखो। कॉन्फिडेंस ठीक रखने के लिए आप अपने आप सोचिएगा कहाँ मेरा कॉन्फिडेंस ब्रेक हो जाएगा, क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंस डाउन करने लगा हूँ। तीसरा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बोलने के लिए खुद आके आके बात करना सीखना है। एक तो मेरा टॉकिंग चालू करो सभी, मेरा टॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आईने में बोलो और लोगों से जा मिल मिल के आप उनसे बात करिए। पार्टीज में जाते तो केवल खाने पर फोकस ना करें। आप जब किसी कार्यक्रम में जाते केवल वहाँ पे ये मत देखिए कि पनीर है कि नहीं, चावल है कि नहीं, रोटी है कि नहीं, दही बड़े है कि नहीं। वहाँ पे जाके आप देखिए कि कोई अगर अच्छा कोई सक्सेसफुल पर्सन अगर पार्टी में देख रहा, जो कहीं का डायरेक्टर हुआ, कहीं का मान लो महापौर आ गए, अपने सांसद साहब आ गए, विधायक जी आ गए, मैं चैलेंज दे रहा हूँ उनसे बात करके देखिएगा। अगर उनसे अगर बात कर लिया आपने तो मान लीजिएगा कि आपका कम्युनिकेशन का स्तर उठ गया, क्योंकि हम लोग अपने बड़े से बड़े जो होते हैं, जैसे कोई जनरल मैनेजर है किसी बैंक का, अब उनके सामने तुम लोग दूर दूर भागते हो, आप जाके उनसे हाथ मिलाइए, उनसे बात करिए, तो आपको देखिएगा उनसे बात करने पर आपको लगेगा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है बात करने की। आप अपने बड़े बंदों से बात करना सीखिए। डर लगता है, वही तो डर लगता है। अब जनरल मैनेजर SBI का आ गया, आप चुपचाप थाली लेके किनारे हो गए, आप कौन उनसे बात करें। हम कहते हैं कि जाइए उनसे, हैंडशेक करिए, बात करिए, और बात करने के बाद आपको लगेगा कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि यार मैंने GM से बात किया है, मैंने ठीक है, मैंने रेलवे का GM आ गया, रेलवे का GM साहब जबलपुर में ही रहते हैं, GM साहब रेलवे के आगे तो नमस्ते तो सामने जाके कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी सी बात के सर हाउ आर यू सर, एक गुलदस्ता लेके जाओ, मैं तो गुलदस्ता लेके विधायक को भी दे दो, जाके सांसद को दे दो, उससे क्या होता है आपका सर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखता है कि नहीं मैं उनसे बात कर सकता हूँ, मुझे पापा मम्मी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इनसे क्या होगा आपके अंदर की बूस्टिंग बढ़ती है। और जरूरी है कि आप अपने बड़े लोगों से बात करें, क्योंकि अभी आने वाले समय में आपको नौकरी के लिए भी अपने से बड़े रुतबे के लोगों से बात करनी है, और बिजनेस के लिए भी किससे बात करना होता है, हम अपने बड़े लोगों से बिजनेस के लिए बात करते हैं। तो ये तीसरी पॉइंट आपको मैं क्या करूँ, अपने बड़े लोगों से बात करें, रेगुलर उनसे बात करते रहे, मिलते रहिए, देखिएगा आपके अंदर परिवर्तन आता है। करो तो आप लोग अपने लेवल के लोगों से बात करते रहते हो, इससे कुछ नहीं होने वाला, ऊँचे लेवल पर जाओ, लेकिन ध्यान रखना नीचे लेवल के लोगों से बात नहीं करना। सोने की टपोरी खड़े है, अब टपोरी जी बोला और क्या बोलेगा, बस ऐसे ही बैठे खड़े हैं, वैसा अब उनसे की बात कर रहे हो, हम कह रहे ऊपर लेवल पे जाओ। चौथी चीज मैं क्या बोल रहा हूँ, पांच चीज मैं आपको बोलने पर फोर्थ आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ, कम्युनिकेशन को ठीक करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, एकदम माइंड में एक चीज भर लीजिएगा कि मेरे बोलने पर ही मेरा फ्यूचर टिका हुआ है। इस चीज को एकदम दिमाग में सब रख लीजिएगा, तुम बोलोगे नहीं तुम्हारा फ्यूचर खत्म, ठीक है। जो शाय करते हैं ना उनके तो ये एक जगह लिख के रख लेना, मैं बोलूंगा तभी फ्यूचर सुधरेगा, मैं नहीं बोलूंगा मेरा फ्यूचर नहीं सुधरेगा, और फ्यूचर सुधरना जरूरी है, जरूरी है ना, फ्यूचर अगर नहीं सुधरेगा तो क्या खाओगे। तो एक चीज आपको ध्यान रखना कि मैं बोलूंगा तभी कुछ होगा, तो बोलना तो आपको पड़ेगा, तो इस चीज को तो दिमाग में आपको रखना है। और फिफ्थ एक एलिमेंट में आपको बात बता दे रहा हूं, आपको अगर कहीं पे
ऐसी क्लास अगर मिल जाए जहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए आपको चलाए, आपको प्रैक्टिस करवाए, जैसे इसको कहते हैं ग्रूमिंग क्लासेस, बहुत सारी होती है शहर में। देखिएगा अगर आपको बहुत ज़्यादा बोलने में दिक्कत होती, कई लोग को क्या होता है बोलने में हकलाते हैं, कई लोग को हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती है जिस कारण से बोल नहीं पाते हैं, कई लोगों के मन से वो बोल नहीं पाते, तो जो मन से नहीं बोल पाते वो तो ग्रूमिंग क्लास में जाके अपनी बोली को ठीक करें। ग्रूमिंग क्लास हर शहर में होता है, वहाँ का जबलपुर में भी होगा, जहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए एक एक महीने की क्लासेस चलती है। आप जाके उनसे कम्युनिकेशन करने का थोड़ा पैटर्न समझिए, क्या करना है मैडम, क्या करें, किस तरीके से बोले और बोलिए। और जिनका हेल्थ इश्यूज अगर किसी की फंसी है, जो लोग मालूम है कि डॉक्टर ने बोल के रखा कि आपको माइंड में प्रॉब्लम है, इस कारण से बोल नहीं पाएंगे, आप हमेशा रुक रुक के बोलेंगे, हकलाएंगे, तो उनसे अनुरोध है प्रॉपर दवाइयाँ कर ले, प्रॉपर माइंड के टैबलेट्स लीजिए, डॉक्टरी परामर्श के साथ अपने दिमाग को ठीक करिए, जिससे कम्युनिकेशन फ्लो अच्छा हो। क्योंकि ध्यान रखिएगा कम्युनिकेशन दिमाग से चलता है, कई बार क्या होता है दिमाग वीक रहता है, इस चक्कर में क्या होता है हम वर्ड्स नहीं आते बोलने, तो इसके लिए बहुत सारी इसमें मेंटल दवाई है, बहुत अच्छी अच्छी पावरफुल मेंटल दवाई है, आप उनके डॉक्टर से परामर्श करके उन डॉक्टर से दवाई को लीजिए। क्योंकि अभी अगर आपका दिमाग साथ नहीं देगा बोलने में, तो आने वाले समय में आपको टाइम कितने मिला, 5-7 साल में करियर बनना, 5-7 साल में बहुत पिछड़ जाओगे। तो डॉक्टर से बात करें, सलाह परामर्श लीजिए, आप देखिएगा कि सर मैं बोल क्यों नहीं पा रहा हूँ, सही बड़ा प्रैक्टिक वे में प्रॉब्लम हो रही है, तो मेंटली भी टेस्ट करवा लीजिए। और नहीं है, अगर मेंटली आप पूरा फिट अगर जा रहे हैं तो फिर आप ग्रूमिंग क्लासेस में जाइए, कम्युनिकेशन पैटर्न को मजबूत करिए, बोलना सीखिए, बोलिए। हम तो कह रहे हैं कि एक नेता बन जाओ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि सबसे अच्छा नेता को, क्योंकि नेता का काम क्या होता है, मन से बोलना, और मोदी जी को अपना आइडियल मान के बोलना चालू करो। जो मोदी जी ऐसे बोलते हैं तो एकदम पूरा जनता सुनती है, शिवराज सिंह चौहान को हमने देखा अच्छा बोलते हैं, योगी आदित्यनाथ जी है, ठीक है, केजरीवाल को भी नाम लेके वो भी अच्छा बोलते हैं मैंने सुना है, ठीक है। तो जो नेता अच्छा बोलते हैं आइडल मान के उनकी तरह थोड़ा बोल, कुछ दिन के नेता भी कर लो वो भी चलेगा, क्योंकि थोड़ा मौका मिलता बोलने का अच्छा मौका। तो ये कुछ मैंने 5 एलिमेंट आपको बताया, जिससे आप लोग क्या करेंगे कम्युनिकेशन को सुधारेंगे। और जल्दी मैं आपका कम्युनिकेशन टेस्ट भी लूँगा, तो इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि आप कम्युनिकेट अच्छा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, ओवर कर दो।